एक इंसान घने जंगल में भागे जा रहा था। शाम हो गई थी, अंधेरे में कुआं नहीं दिखा और वो उसमें गिर पड़ा। अब गिरते गिरते, मतलब नसीब वाला था, नसीब बलवान था उसका, तो एक झुके हुए पेड़ की डाली उसके हाथ में आ गई। डाली पकड़ ली उसने और नीचे देखा तो चार चार मगरमच्छ मुंह खोले हुए उसकी राह में। जिस डाली को उसने पकड़ रखा था उसे दो चूहे कुतरे जा रहे थे, कुतर रहे थे। अब इतने में ये कम था तो एक हाथी आया, पेड़ को जोर जोर से हिलाने लग गया। वो घबरा कर सोचने लगा, है ऊपर वाले, अब क्या होगा। अब हाथी का जो पेड़ हिलाना था उससे मधुमक्खियां उड़ने लगी थी, शहद की बूंद टपकने लगी। एक ऐसी बूंद उसके होठों पर आकर गिरी और शहद गजब का मीठा था, अमृत जैसा स्वाद था, जो अमृत जिसकी कल्पना करते हम। कुछ समय के बाद शहद की एक और बूंद गिरी उसके होठों पर और इतना मग्न हो गया उसकी मिठास में, अपनी तकलीफों के बारे में भूल गया वो कहां लटका हुआ था, मगरमच्छ उसके इंतजार में थे, सब भूल गया। तभी उस जंगल से ऊपर वाले का रथ पसार हुआ। ऊपर वाले ने कहा कि मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है बालक, तुम्हें बचाने आया हूँ, मेरा हाथ थाम लो। इंसान ने कहा, जी बस आया, ये एक बूंद जो गिरने वाली है बस उसको चाट लो। एक के बाद एक बूंदों को चाटने में लगा रहा और ऊपर वाले का रथ वहां से निकल लिया। अर्थात वो जिस जंगल से जा रहा था वो जंगल है दुनिया, अंधेरा है अज्ञानता, पेड़ की डाली वो है आयु उम्र, दिन और रात दो चूहे उसे कुतरे जा रहे हैं, और घमंड यानी कि हाथी जो पेड़ को उखाड़ने में लगा हुआ है। शहद की बूंदे, समझ गए होंगे, संसार में जो सुख है वो, जिसके कारण इंसान खतरों को भी अनदेखा कर देता है, ऐसे ही सुख के माया जाल में अगर फंसा भैया तो ऊपर वाला भी उसे बचा नहीं सकता। सलाम दुआ वणकम प्रणाम सत श्री अकाल, किम छो सारू छे, अमदावाद आखुई मारू छे। अर्चना की ओर से गुड मॉर्निंग एंड